नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है हमारे चैनल में एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त विकास। दोस्तों, हमारा जो पशुपालन है इसमें जो अभी बरसात का सीजन चल रहा है, इस सीजन में दोस्तों हमारे पशुओं में जू चीचड़ किलनी वगैरह होना आम बात है। दोस्तों, इससे जो है हमारा पशु परेशान रहता है। कई बार दोस्तों उसके कारण से रात भर वो सो नहीं पाता और तनाव में रहता है, और इससे जो है दोस्तों कुल मिलाकर उसके दूध उत्पादन में जो है प्रभाव पड़ता है, दूध उत्पादन कम हो जाता है। दोस्तों, इस जू चीचड़ किलनी वगैरह का मुख्य कारण है साफ सफाई। दोस्तों, हम कितना भी साफ सफाई करें लेकिन बरसात के सीजन में ये जू चीचड़ किलनी वगैरह है ये हो जाते हैं और हमारे पशुओं को परेशान करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी उपाय के बारे में बता रहा हूं जिसका उपयोग करने से आप अपने पशु को जो है जू चीचड़ किलनी वगैरह से मुक्त कर सकते हैं, और इसे जो है हम बिल्कुल घरेलू उपाय से बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस उपाय को बनाने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले चाहिए तुलसी के पत्ते। इन तुलसी के पत्तों में दोस्तों एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं जिससे ये जू चीचड़ किलनी वगैरह को मारने में सक्षम होते हैं दोस्तों। और ये जो है तुलसी के पत्ते दोस्तों आपको किसी भी घर पर आसानी से मिल जाएंगे। लगभग हर घर में जो है तुलसी का पेड़ आपको आसानी से मिल जाएगा। उसमें से जो है हमें उतनी पत्तियाँ ले ली हैं जिससे हमको 100 ml का जो है रस प्राप्त हो सके। और इसके साथ में हमको लेना है दोस्तों सरसों का तेल। सरसों के तेल में भी दोस्तों एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं और इसका इस्तेमाल बहुत ही पुराने समय से जो है जू चीचड़ किलनी को मारने के लिए किया जा रहा है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों हमको एक पतीला ले लेना है, उसमें ले लेना है लगभग आधा से लेकर के 1 लीटर सरसों का तेल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए खेती किसानी और पशुपालन से जुड़ी जानकारी के लिए, और नोटिफिकेशन बेल को दबाएँ, साथ ही ऑल को दबाएँ ताकि सभी जानकारी आप तक पहुँच सके सबसे पहले। और उसके बाद ये जो तुलसी की पत्तियां हैं इसे हमें अच्छे तरीके से पीस लेना है दोस्तों। आप मिक्सर ग्राइंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे पीसने के लिए, और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे दोस्तों जिससे जो है इसे पीसने में आसानी भी हो जाएगी और इसमें से जो रस है अच्छे तरीके से निकल के बाहर आएगा। तो थोड़ी देर मशीन को चलाने के बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये पूरी तरीके से पीस चुका है और इसमें से रस पूरी तरीके से बाहर आ चुका है, और इसका रस जो है हमको लगभग जो है 100 ml लेना है दोस्तों। और उसके बाद जो ये रस है दोस्तों इसको हमें मिला देना है सरसों के तेल में, और इसे डालने के बाद अच्छे तरीके से मिलाना है दोस्तों ताकि इसका एक अच्छा सा मिश्रण तैयार हो सके। और इसे अच्छे तरीके से मिलाने के बाद दोस्तों इसे हमें जो है लगभग 8 से 10 दिनों के लिए धूप दिखाना है दोस्तों, यानी कि धूप में डेली इसे रखना है दोस्तों, और उसके बाद हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पशुओं में लगाने के लिए। अब दोस्तों 8 से 10 दिन हो चुके हैं, अब हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे हमें अपने पशु में अच्छे तरीके से लगाना है दोस्तों। पूरे शरीर के हर भाग में दोस्तों अच्छे तरीके से इसे लगा देना है ताकि कोई भी हिस्सा जो है पशु का बचे ना दोस्तों। अच्छे तरीके से इसको मसाज जैसे कर देना है, और इसे लगाने के 4 घंटे के बाद दोस्तों हमें अपने पशु को अच्छे तरीके से नहला देना है जिससे जितने भी जू चीचड़ किलनी वगैरह होंगे वो सभी जो है बाहर निकल जाएंगे दोस्तों। तो ये थी जानकारी दोस्तों आज की वीडियो में, और ऐसी जानकारी और भी चाहते हैं आप तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं दोस्तों ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके सबसे पहले।